एक वृद्ध आदमी था, मृत्यु का समय निकट आ गया, जुबान बंद हो गई, जुबान काम नहीं कर रही, लेकिन वो कुछ इशारा कर रहा है ऐसे ऐसे, बोल सकता नहीं। घर वाले भी मूर्ख बच्चे उसके सोचते हैं, पिताजी ने जीवन काल में तो हमें कुछ दिया नहीं, अभी लगता है कुछ जमीन में धन गाड़ा है उन्होंने पैसा। वो बता रहे हैं कि वैद्य के पास, पुरानी बात है, वैद्य ऐसे ऐसे वैद्य भी होते थे जुबान जिसकी तलतनी चला देते थे थोड़ी देर के लिए, कहा वैद्य जी हमारे पिताजी मर रहे हैं तो बोल नहीं सकते, कुछ इशारा कर रहे हैं, आप कृपा करके उनसे बुलवा दो। कहते बुलवा दूंगा पर 300 रुपया लूंगा, उस समय 300 आज 3000 या 30000 कह लो। वैद्य ने दवाई दी, बोलने लग पड़ा, कहते पिताजी क्या इशारा कर रहे थे? कहते इशारा क्या कर रहा था, उधर भारू झाड़ू होता है ना उसका भारू, भारू शब्द आया है, वो भारू पड़ा है और बछिया उसको खा रही है, मूर्खो मेरे जीते जी अभी ये हाल मर जाऊंगा तो क्या होगा, सर पीटा 300 रुपया फूक दिया, कहां से 300 रुपया देंगे। तो मतलब जीवन काल में आदमी इन्हीं चीजों में फंसा जाता है, हमने इनसे अपने मन को हटाना है और हरी चरणों में मन को ले जाना, ताकि अंत समय याद रखो मेरा भी आएगा और आपका भी आएगा, कोई ऐसा है जिसका नहीं आएगा, उसके दर्शन करूंगा, सबका आएगा।